ऑन, और उम्मीद करता यस हूं सर, कि अगर यॉर्कर डालूंगा तो यॉर्कर ही पढ़ना चाहिए, ठीक है? ओके सर, बाउंसर यस सर, तो तो बाउंसर, हेलीकॉप्टर यानी कि मारेंगे। पता होना चाहिए कि जा क्या रहा है दिमाग में, ठीक है? हाँ कि भाई जी, यॉर्कर पढ़ा और अब ओके सर, समझ में आना चाहिए। तो आज हम चैप्टर जो है वो मेटल इन कार्बोनिल पढ़ेंगे, और आप लोग क्वेश्चन ना सॉल्व करोगे कोऑर्डिनेशन के, क्योंकि ओके कल सर, मैं यस सर, बताऊं। तो गाइस ये रहा आपका मेटल इन कार्बोनिल। जब आप देखोगे तो इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि वो मेटल बॉन्डिंग कार्बोनिल जो है, कि भाई अगर मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था कि कोई भी कंपाउंड था, तो उस कंपाउंड में आपका क्या था, सेंट्रल मेटल एटम क्या था, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट था, और बहुत सारे यस लिगेंड थे। लिगेंड थे कि नहीं थे? सर, थे। तो हुआ क्या कि मैंने कहा कि देखो सर मेरे पास जो है Ni, और यहाँ पर क्या था NH3, और यहाँ पर क्या हो गया, मैं बोल देता हूँ सर 2+। टू अब प्लस बताइए कि यहाँ पर आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो CmA कर ठीक देता हूँ, और ये बहुत सारा आपका लिगेंड है, और ये जब जुड़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू तो हमने बोला कि सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लेकिन इनमें से हमने मान लीजिए कि एक और ले लेते हैं Fe H2O6, और यहाँ पर हमने कर दिया 2+। बताइए ये भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं? यस सर है। है। लेकिन हमने एक चीज और यहाँ पे देखा कि देखो सर अगर मान लो कि मेरे पास ये Fe है, और हमने क्या कर दिया, कार्बोनिल ग्रुप रख दिया, और इसके 5 5 5 5 5, हाँ 5 रख दिया, और यहाँ पर आप कर सकते हो इसको 2+। चलिए मैं कर देता हूँ इसका, ऐसे नॉर्मली रहने देते। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, एक्वा का कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर एमीन का कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? यस सर है। जी सुन रहे हो आप लोग सब लोग? सर, तो सही है। देखिए अब हमने क्या कहा कि सर इसको ना थोड़ी देर के लिए भूल जाते, फॉरगेट अबाउट दिस, क्या कर दो आप लोग, फॉरगेट भूल जाओ। अबाउट दिस, यानी कि आप इन दोनों को भूल जाओ। लेकिन ये जो तीसरा वाला है ना, ये एक स्पेशल क्लास है। क्या ये स्पेशल क्लास, क्या ये स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास? हमने इसको स्पेशल क्लास क्यों बोला सर, कि यहाँ पर जो कार्बोनिल है ना, तो अब ये क्या हुआ कि कार्बन मेटल से, कभी आप लोग देखते हो कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है कहीं? नो सर, नहीं, कुछ भी कार्बन कार्बन से, कार्बन कार्बन नो से, कार्बन ऑक्सीजन से, कार्बन नाइट्रोजन से, इससे अटैच तो देखा है आपने, लेकिन कार्बन मेटल से कहीं डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। तो ये वाला एक स्पेशल क्लास हो जाता है, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग दोस्तों क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बोल देते हैं बताइए? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। कंपाउंड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग समझिएगा कि दोस्त मेटल और कार्बन बॉन्ड के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कार्बन और मेटल अटैच्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे कि सर ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे कि सर ये कोई दूसरा कंपाउंड, ठीक है? यस समझ गए? सर, समझ लेकिन अगर गए। कोई कहीं भी, अब यहाँ पे बताइए ये कौन सा कंपाउंड है, FeCO ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है कि नहीं? यस सर है। है। चलिए इससे पहले कि हम मेटल कार्बोनिल में एंट्री मारे, उससे पहले ना थोड़ा बहुत कार्बोनिल का स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि देखो सर मैंने कॉर्नर पे कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि नहीं? किया किया है। है। अब आ जाओ देखिए, आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ से कहूँ कि देखो सर मेरे पास ये रहा साहब कार्बन, और ये रहा साहब ऑक्सीजन, और यहाँ पे तीन बॉन्ड अटैच्ड है। बताइए इसमें से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आप देखोगे कि साहब कार्बन के पास ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही स्ट्रक्चर है ना? यस चलिए सर, अब सुनते रहिए, मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि अगर सर कोई भी मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन है, तो इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो बताइए क्या यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, यस सिग्मा सर, बॉन्ड सर। सिग्मा हाँ, सिग्मा सिग्मा बन रहा है, और ये वाला बॉन्ड है, ये कौन सा है, ये वाला। हाँ जी, अब बताओ सिग्मा अगर, बॉन्ड और हाँ 2 पाई बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड है, देखो दोस्त यहाँ पे ये क्या है आपका, ये वाला जो है
आपका सिग्मा है तो ये वाला और यहाँ पर ये वाला आपका क्या होगा, पाई होगा। आप लोग इसको पाई बॉन्ड आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसको इरेज कर दूंगा, कुछ मुझे समझाना है। ठीक है, हो गया सर, डन। यस सर, बना दीजिए सर। रियलिटी क्या हो रही है यहाँ पर कि मैंने कहा कि सर अगर सिग्मा बॉन्ड रह रहा है तो क्या यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है इन दोनों में, कार्बन ऑक्सीजन में? हो रही है। यस सर, हो रही है सर। क्या इसका एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा? हाँ जी होगा होगा होगा। ऑक्सीजन और ये एंटी बॉन्डिंग जो कि रिपल्सन होगा। अब बताओ एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल एम्प्टी है? यस एम्प्टी। ठीक है सर, अब एक बात बताओ कि यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला पाई और ये ऊपर वाला पाई है, तो अब ये जो पाई वाला ऑर्बिटल है, नीचे समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर ये तो आपका बी एम ओ है और ये क्या होगा ए बी एम ओ सिग्मा के लिए था ये वाला। अब आ जाइए इसके ऊपर दिखाता हूँ पाई वाले की स्टोरी क्या होगी कि सर देखो पाई वाले का कि ये रहा सर कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन और इसका एक बॉन्ड ये और ये दोनों आपस में जब ये शेयर करते हैं तो क्या एक पाई बॉन्ड बना ये वाला? यस सर, बन गया। तो क्या इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा? एक और तो देखो जो जो पाई बन रहा है वो तो ये वाला बॉन्ड है। ठीक, सेम एक अब इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर कहीं बन रहा होगा तो उसको क्या मैं दोस्तों यहाँ पर मैं एंटी बॉन्डिंग को ऐसे दिखा दूं क्या? दिखा दो। यस पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग लिख दूं इसको भैया, ये बन रहा है तो एक तो ये रहा ये वाला तो इसका एंटी बॉन्डिंग इधर एम्प्टी है तो मैंने दिखा दिया उसको। अब बताओ नीचे भी एक कार्बन एक ऑक्सीजन है तो इसका भी पाई पाई ओवरलैप करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो एक पाई बॉन्ड तो ये वाला बन गया। बताइए इसका एंटी बॉन्डिंग एक और होगा तो क्या मैं उसको उस एंटी बॉन्डिंग को यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ क्या? यस सर। दो पाई बॉन्ड बन रहा है बॉन्डिंग तो दो एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो देखिए ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। और एक बात बताओ आप लोग कि यहाँ पर इस कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है? यस सर, लिख सकते हैं। यस सर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे कि चार बॉन्ड बनता है तो एक दो तीन तो बना दिया, एक ऑर्बिटल बच गया जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। चार बॉन्ड बनता है ना इसका? यस सर। यस सर, बताओ कि देखो सर ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ए बी एम ओ, ये भी क्या है दोस्तों आपका ए बी एम ओ। ठीक है, और ये उसका एक ऑर्बिटल बच गया है कार्बन का, क्योंकि चार बॉन्ड बनाता है तो तीन बॉन्ड आपको दिख रहा है, एक में लोन पेयर लेके खाली बैठा हुआ है। तो बताइए yes, दो कंडीशन कि उसी कार्बोनिल ग्रुप के या कार्बोनिल लिगेंड बोल लीजिए, इस कार्बोनिल लिगेंड के पास एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर वाला भी ऑर्बिटल है कि नहीं? है सर। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? यस सर। यही ना मेटल कार्बोनिल को ये जो प्रॉपर्टीज दिख रही है कि सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी आ जाता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसी प्रॉपर्टीज को ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है इसी प्रॉपर्टीज से ये कार्बोनिल ग्रुप एक एक्स्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, जिसलिए हम बहुत सारे कार्बोनिल ग्रुप को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आ जाइए, इसको समझाना जरूरी था तब आगे आपको समझ में आता। हम बात करेंगे सिनर्जी बॉन्डिंग की और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल की। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आ जाइएगा, इसको थोड़ा बहुत आप लोग अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, मैं बता दूंगा। तो देखिए इसको भी इमेज को छोड़ देते हैं, आखिरी में आप समझ जाओगे कि कैसे क्या हो रहा था। सो हेलो कशिश, हाँ बोलिए सर। एक बार रिपीट कर दो इसको। कौन सा? जो लास्ट वाला। हाँ जी बोलिए। क्या बताऊं इसमें मुझे थोड़ा सा? सर जो अभी आपने कार्बोनिल ग्रुप में जो एंटी बॉन्डिंग बनाया ना वो वाला बताओ। ठीक है, एक बार और। चलो ये सब पूरा मिटा दूं मैं। यस सर, मिटा दो। टाइम है, आराम से पढ़ते हैं, कोई भागने भूगने की जरूरत नहीं है। देखो ये बताओ कि ये सिग्मा वाले को छोड़ दो, एक तो आपका सिग्मा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, एक सिग्मा है। आपने लोन पेयर वाला तो ये देख लिया ना?
यस सर। भैया ये रहा देखो ना आप, ये लोन पेयर है ना, नीचे येलो से दिखा रहा हूँ। यस सर। तो ये किसी ऑर्बिटल में होगा, मैंने ऑर्बिटल में लिख दिया। इतना तो क्लियर है ना कि कार्बन के पास ऑर्बिटल में लोन पेयर है, यस सर, येलो वाला, जो कि मैंने इसी को सिर्फ ऐसे लिख दिया हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? इसी को मैंने ऑर्बिटल के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। समझ गए ना आप लोग? यस सर, समझ गए। तो सिग्मा का तो ठीक है सर, कि सिग्मा हमें समझ में आ गया कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। सिग्मा का भी एक बॉन्डिंग, एक एनडी बॉन्डिंग होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं नंबर ही करता हूँ कि ये पहला पाई बॉन्ड है और ये कौन सा है, दूसरा पाई बॉन्ड। अब ये कैसे बनेगा देखो सर, मान लो कि मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ पहले वाले के लिए। तो पहले पे कि सर ये रहा मेरा कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन, तो मैं बोलता हूँ कि सर ये रहा एक ऑर्बिटल कार्बन का, ये ऑक्सीजन का। अब बताओ ये इसका ओवरलैपिंग होगा, मान लीजिए कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब इसी का पलट दो तो देखो सर, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस है तो ये वाला इसका प्लस, ये रहा माइनस तो ये वाला प्लस। बताइए क्या इनमें रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि अपोजिट फेज है ना, सेम सेम वाला क्या होता है, ओवरलैप करता है। तो एक क्या है आपका प्लस है एक माइनस है, तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोल देंगे साहब, पाई स्टार, और इसको क्या बोल देंगे, पाई बॉन्डिंग। अब बताओ पहले वाले के केस में क्या था, तो दूसरे वाले के केस में सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा? होगा, कि दूसरा भी तो पाई बॉन्ड है। हाँ जी, एक बात बताओ, तो अब देखो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, बीएमओ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस सर। और इसी बीएमओ की वजह से देखोगे कि भैया एक पाई बॉन्ड दूसरा वाला बन रहा है, और एक क्योंकि दो बार हो रहा है तो दूसरा वाला, ये दूसरा पहला वाला पाई बॉन्ड इसी की वजह से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर, बनेगा। लेकिन अब बताइए कि दो बार ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग, क्या वो दो ऑर्बिटल बनेंगे कि नहीं बनेंगे दो पाई बनने की वजह से? बनेंगे। और वो ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में होंगे, तो देखिएगा, अब एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, एक ऑर्बिटल इधर होगा इसकी पाई की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से, तो एक एंटी बॉन्डिंग ये वाला, इसको क्या बोलोगे, पाई एंटी बॉन्डिंग बोलोगे? यस सर। अब बताओ ये दूसरा पाई बन रहा है, तो दूसरे पाई होने की वजह से क्या एक और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा। सिंपल। तो अब बताइए कि एक तो पहले से लोन पेयर था, दो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स बन गए, ये इसका स्ट्रक्चर, और इसी की वजह से ये स्पेशल लिगेंड हो जाता है। ठीक, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सर मेटल कार्बोनिल क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, रियलिटी यहाँ पर यही है, स्ट्रक्चर ले रखा है आपसे कि मेटल कार्बोनिल के कुछ खास स्पेशल कंपाउंड। पहले मैं आपको उनके नाम लिख देता हूँ कि देखो सर, पहला जो कंपाउंड है ये हमारा क्या है, एफ ई सी ओ फाइव। एक तो ये हो गया, ये पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड लिखूंगा तो यहाँ पे देखोगे एन आई सी ओ फोर भी हमने देखा था, और यहाँ पर तीसरा देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी आर O6। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, मेटल कार्बोनिल है। क्या है ये? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट। क्योंकि मेटल है और कार्बोनिल ग्रुप है। ऐसा इतना बड़ा बड़ा क्यों, और भी एक आध दो हो सकता है। मैं देखता हूँ, कुछ और भी लिख देता हूँ अगर मेरे पास डेटा हो तो। आई होप मिल जाए ऑफ कंपाउंड। सीआरओ सिक्स लिखिए, फोर्थ लिखिए एफ ई टू सी ओ नाइन, एफ ई टू CO9।
ये भी हो गया आपका। फिलहाल तो इतना ही दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, डन दोस्तों? यस सर, डन। यस सर। चलिए आ जाइए, अब आप लोग सुनिएगा कि देखो सर, मेरे पास अगर एक मेटल है, क्या है? एक मेटल। मेटल तो अब ये जो मेटल है, इसके पास भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अगर समझोगे तो बोलिएगा कि सर समझ में आ गया। ये बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल है। dx y, अब बताओ, अभी भी आप चेक करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा कि सर देखो ना, सिर्फ यही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है क्या? बाकी के तीन हमेशा मेटल के पास ऐसे रहते हैं कि नहीं रहते? या तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर वो खाली रहेगा। हां जी, एज इट इज रहेगा। यस सर। यस सर। क्या लिखूं मैं इसको कि दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग हाइब्रिड। ठीक है, इन नॉर्मल केस। ठीक है, इन नॉर्मल केस, क्योंकि यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? दीज ऑर्बिटल आर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग विथ लिगेंड एक्सेप्ट कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एक्सेप्ट कार्बोनिल कंपाउंड। समझ गए दोस्तों? यस सर। ये तीन तीन है। चलिए आ जाइए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो सर, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग का क्या क्या कंडीशन है, क्या रोल है वो। तो जो आप देखोगे कि ये वाले जो तीन, जैसे कि मान लीजिए कि मेटल का एक ऑर्बिटल इधर जा रहा है साहब, और एक ऑर्बिटल इधर जा रहा है, और एक ऑर्बिटल इधर जा रहा है, एक ऑर्बिटल दोस्तों कैसा जा रहा है? इधर जा रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। हुआ क्या कि ये जो दो ऑर्बिटल्स है, ये इनको ना मैं रेड से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रहा सर रेड वाले, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही दो ऑर्बिटल मान लेता हूँ कि देखो सर, एक ऑर्बिटल इनमें से कोई इधर है और ये एम्प्टी है। कैसा? ये एम्प्टी है। एम्प्टी। अब हमारे साथ में मान लीजिए कि ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर प्लस होगा तो ये मेरा माइनस होगा। सिचुएशन क्या हो रही है कि देखो सर, मेरे पास कार्बोनिल लिगेंड था और वो कार्बोनिल लिगेंड बहुत मजे से आया और इसके साथ बॉन्डिंग बनाया। तो कहानी क्या होगी कि देखो साहब, ये रहा हमारा कार्बन और ये रहा आपका ऑक्सीजन। हाँ जी, बताइए, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन था तो दे करके क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बनाएगा। यस सर। सिग्मा बॉन्ड बोलो चाहे। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं इसको, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, कहाँ लिखूं इसको मैं? नीचे, थोड़ा नीचे आ जाइए। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलोगे आप लोग? सिग्मा बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब साथ में चाहो तो डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम है। चलो, अब कभी कभार लोग बोल देते कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको भी लिख लो आप लोग, कोऑर्डिनेट साथ में कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। अब स्टोरी थोड़ी मजेदार होने वाली है। अब बताइए, क्या कार्बोनिल एक लिगेंड जो होता है नॉर्मल, क्या लोन पेयर दे के जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है? जुड़ जाता है। बढ़िया, अब आ जाओ ऊपर, स्ट्रक्चर कुछ दिखाता हूँ, डायग्राम। कि यहाँ पर ना मैं ऐसा काम करता हूँ, इसको नोटेशन नहीं देता हूँ। क्या दे देता हूँ? नोटेशन नहीं देंगे। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे कि क्या मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले जो डी ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको? यस सर। ये जो अंदर वाले तीन ऑर्बिटल, सबको समझ में आ रहे हैं दोस्तों? हाँ जी। यस सर। अगर मान लीजिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन है, क्या है?
कुछ भी इलेक्ट्रॉन, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, मैक्सिमम छह हो सकता है वहां पे। अगर इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो पहले लिगेंड आया, ध्यान से सुनिएगा, पहले चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां हुआ, पहले सिग्मा बॉन्ड बना है तो इसमें चार्ज ट्रांसफर अगर मैं बोलूं तो सर लिगेंड टू मेटल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लिगेंड ने पहले इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल हुआ। अब आ जाइए दोस्तों, आपको पहले भी एक स्ट्रक्चर में समझाया था और फिर मैं यहाँ लेके आया था कि सर देखिए, आपने कहा था कि सर एक पाई बॉन्ड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग इधर कहीं होगा और एक और इसका एंटी बॉन्डिंग इधर कहीं होगा पाई स्टार। यस सर। सब समझ गए क्या? हाँ जी। yes, sir. अब चलो भाई, समझ में आ गया सर। अगर मैं ये कहता हूँ कि देखो सर कोई मेटल है और उसके पास क्या, उसके पास अगर अंदर वाले में इधर कहीं इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा कि देखो सर अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी एंटी बॉन्डिंग में देगा कि नहीं देगा? देगा सर। अब बताओ जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में देगा तो अब बात बताइए कि साथ में अब सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। yes, sir. तो दूसरा अगर एंटी बॉन्डिंग में एक लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या दूसरा बॉन्ड पाई बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। सिग्मा के बाद पाई बनता है और सबसे पहले सिग्मा बनेगा, डायरेक्ट कभी पाई नहीं बन नहीं बनेगा। अब बताइए कि इस वाले बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा, पाई बॉन्ड? Yes, sir. चलो देखो सर, समझ में आ रहा है कि हमें पाई बॉन्ड क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो सर, अब यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पाई बॉन्ड में, ये जो साथ में पाई बॉन्ड रहा था, बताइए इसमें चार्ज ट्रांसफर मैं लिखूं एम टू मेटल टू लिगेंड, समझ गए? ऐसा कहीं किसी और लिगेंड वाले केस में हो रहा था क्या? नो सर। और में भी कई जगह हो सकता है लेकिन मैं बताऊंगा कि जिनके पास पाई ऑर्बिटल होगा, बताइए कि जिनके पास पाई बॉन्ड होगा, ध्यान से सुनो, जिस लिगेंड के पास पाई बॉन्ड होगा क्या उसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा? होगा सर। यस सर। तो क्या ये वाली बॉन्डिंग शो करेंगे? मतलब अरे कि भाई लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और फिर मेटल उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नो सर। सुना, मैं बताता हूँ। अब बताओ यहाँ पे दो चीजें कि भैया पहले तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और फिर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसी बॉन्डिंग, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ऐसी बॉन्डिंग जहां पर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे, चार्ज ट्रांसफर हो और फिर मेटल जो है लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड बनाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग, या ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो अब एक बात बताइए, सिनर्जिक सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या होने वाली है दोस्तों, कि पहला कि सर लिगेंड टू मेटल सीटी, सीटी का मतलब चार्ज ट्रांसफर, समझ गए? सिनर्जिक बॉन्डिंग की पहली कंडीशन कि सर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, कि साहब मेटल टू लिगेंड सीटी चार्ज ट्रांसफर। डन हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ये कार्बोनिल है इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होती, लेकिन एक और एक्सप्लेनेशन है, लास्ट में एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि देखो सर ये जो आप देख रहे हो ना ये कार्बोनिल, क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन, कलर बदलता हूँ दोस्तों, एक मिनट दे दीजिए, एक्सप्लेन करता हूँ, बताइए ये कार्बन और ऑक्सीजन, इसकी ना बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी देख एग्जैक्टली याद नहीं है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दोस्तों, मैं क्या बोलूं कि बी एल बॉन्ड लेंथ आप देखोगे 1.128 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 1.128 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी,
क्या हो जाएगी बताइए? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्यू टू सिनर्जी का मतलब कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल इलेक्ट्रॉन दिया उसके एंटी बॉन्डिंग में, उसका बॉन्ड बढ़ जाएगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। कैसे घटेगा? चलो एक्सप्लेन करते हैं। अब तो हमने एमओटी पढ़ लिया है ना, तो डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए आपको समझाता हूँ कि साहब देखो, आप लोगों को मैंने क्या बोला था ये बताइए, कार्बोनिल है? यस सर है। बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 6, 14। यस सर। हाँ जी। अब बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे बीओ तो क्या कहोगे कि सर 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या करोगे? बी ए बी ए और फिर बी ए करोगे ना, बताइए। yes, दो, करेंगे। दो, yes, दो, दो और आठ हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं इसका निकालूंगा तो कितना आएगा, 1/2 और बॉन्डिंग में तो 2, 2, 4 और सॉरी ये 6 होगा ना, तो 6 10 हो गया। 10। यस सर। 10 - 4 बताइए कितना निकल के आया, 3 आया कि नहीं निकल के आया? आ गया सर। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड है तो क्या सबसे पास में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। 3 बॉन्ड से अटैच है ना दोस्तों, 3 बॉन्ड से तो सबसे पास में होगा, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ मान लीजिए कि कितना है, 1 हमने अभी देखा था 1.26। अब बताइए अगर मैं इसको बोलूं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाए तो बताइए 2 बॉन्ड से तो थोड़ा दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो अब इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है दोस्तों, वो नोट करिए, 1.15 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ी। अब आप सोचो ध्यान से कि इसका जो था, अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये भैया जब कार्बोनिल लिगेंड सबसे पहले मेटल से कोई भी बॉन्ड वॉन्ड बनाया नहीं था, क्या कोई भी बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाया था। अब आ जाओ जैसे ही ये जुड़ेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड देगा, साथ में एक बात बताइए इसके पाई से, बताइएगा सुनिएगा, मेटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में? दे रहा है सर। सुन रहे हो सबके सब? यस सर। अब एक बात बताओ कि सर उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये कि सर एक बात बताओ, बी में तो भर गया, अब क्या एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। क्योंकि तो कार्बोनिल के पास आ गया ना वो इलेक्ट्रॉन, तो अब बताओ कि अब इसमें चेक करो, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 और यहाँ पे आप देखोगे 10 - 6 होगा कि नहीं होगा? एंटी बॉन्डिंग, सॉरी एक ये एंटी, एक ए एंटी और ये टोटल 6, अब घटा दो, अब बताओ 2, 4। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हो गया। आप ध्यान से सुनो कि देखो सर, अब मुझे क्लियर हो गया, समझ में आ गया है कि जब ये कार्बोनिल आया था ना बॉन्ड बनाने के लिए इससे, तो उसके पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्डिंग थी, लेकिन जैसे बॉन्ड बना लिया तो अब क्या हो गया, वो 2 बॉन्ड के साथ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर अगर नीचे ड्रॉ करूंगा आपको समझाने के लिए, तो अब मैं क्या कहूंगा कि देखो सर ये मेटल है और अब ये ना कार्बोनिल के साथ ऐसे हो गया है, और पहले क्या था, जुड़ने से पहले ये मेटल था और जुड़ा नहीं था तो कैसे था? अलग था। अब बताओ 3 बॉन्ड से अटैच है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? आपको ऐसे भी बताया होगा मैंने एमओटी में कि सर बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3 था, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। तो बताइए इसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ज्यादा होगी। इसकी लेंथ कम होगी। कम। इनके रिलेटेड हो सकता है कि एसर्शन और रीजन में क्वेश्चन आपसे पूछ दे जेई मेंस, ठीक है? ओके सर। क्लियर? क्या होता है तो देखो सर, सिंपल लैंग्वेज में और अपनी किताब से एक बार पढ़ लोगे तो उसको अच्छे से लिख लोगे।
मेरा काम समझाना है, क्वेश्चंस कराना है, तो आप क्या कहोगे, देखो सर सिनर्जिक बॉन्डिंग वो होते हैं कि भैया ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड कि क्या हो कि पहले लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे और मेटल जो है ना वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं कार्बोनिल के एंटिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड को या ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोल देते हैं सर, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है? यस सर। अब एक बात बताओ कि बॉन्ड लेंथ पहले कितनी थी, 1.12 से बढ़के कितनी हो गई, 1.15 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है बदल गया, उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट करा था। सो आई होप ग्रेट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा। सर इधर ना जब आपने ना वो ट्रांसफर किए ना इलेक्ट्रॉन वो वाला एक और बार समझाना। एक बात बताओ आप, यहाँ पे देखो आप इसको मिटा रहा हूँ, अब बताओ कि मेटल क्या लिगेंड को ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन? कर रहा है। अब बताओ वो करेगा तो हवा में तो नहीं करेगा ना? हाँ जी। कहाँ करेगा, कहीं ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए उसके पास। यस सर। अब बताओ कौन सा ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये पाई एंटी बॉन्ड वाला, इसका एंटी बॉन्डिंग वाला, इसका एंटी बॉन्डिंग वाला एम्प्टी है कि नहीं? है सर। तो अब इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा ना? जी। तो अब मेटल क्या किया, ये मेटल क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एंटी बॉन्डिंग में, तो इसीलिए तो हम यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे तो ये वाला दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में ही गया ना वो। यस सर। तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 3 से घट के कहाँ आ गया, 2 पे। बॉन्ड लेंथ 1.8 से बढ़ के 1.5 हो गई। यही समझाना चाहता था और कुछ नहीं था, और इसी जो बॉन्डिंग थी ना इसी बॉन्डिंग को हम लोग बोल देते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। बाकी चीजें आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। और एक और कॉन्सेप्ट रह गया है दोस्त, वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत चीजें। आप एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना इसका। यस सर, डन हो गया। बढ़िया है। आपसे एक सवाल पूछूं भाई, लेविस एसिड क्या होता, लेविस एसिड क्या होता है सर, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? नहीं ना ना दोस्त, उल्टा नहीं सर, जो एक्सेप्ट करता है, वो लेविस एसिड। ऐसे अल्टी पल्टी नहीं मारना है, पहली बार में ही सही बताना है, समझ गए ना? चलो, लेविस एसिड का मतलब कि देखो सर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो उसके पास अगर एम्प्टी पी ऑर्बिटल है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ गया? देखो भाई साफ साफ बता रहा हूं, लिखो आप। लेविस एसिड क्या होता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना आपको परेशान करते, देखिए क्या ये लेविस एसिड, लेविस एसिड का मतलब कि भैया लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज या मॉलिक्यूल्स लिख दो, लोन पेयर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स आर एक्ट एज लेविस एसिड। ठीक है? यस सर। लेविस एसिड, लेविस बेस इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, जो लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर मॉलिक्यूल्स आर एक्ट एज लेविस बेस। अब बताओ यहाँ पर मैं लिखता हूँ NH3, क्या लोन पेयर डोनेट कर देगा? यस सर, कर देगा, डोनेट कर देगा। कैसा काम करेगा ये, लेविस बेस। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि NF3, ये भी कैसा काम करेगा, लेविस बेस की तरह। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ RNH2, कैसा काम करेगा, लेविस बेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ आप लोगों के लिए क्या लिख सकता हूँ, नाइट्रोजन फैमिली में सारे होते हैं, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, पोटेशियम, PH3, क्या बताइए कैसा काम करेगा, लेविस बेस। बताइए PCl3 कैसा काम करेगा, लेविस बेस। बेस ठीक है।
अब बताइएगा, इधर आ जाइएगा, अब बताइए अगर इनके पास लोन पेयर है तो आप बोलोगे कि सर ये दे सकता है लोन पेयर, किसी को भी दे सकता है, तो उसको बोलेंगे कि सर ये लेविस बेस है, सॉरी यहाँ पर लेविस मुझे लिखना है। लेकिन लेविस एसेट की जब आप बात करोगे तो आप देखोगे कि सर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, तभी तो लेगा ना, वरना हवा में लेके क्या करेगा, कोई मतलब है नहीं उसका। तो अब देखिएगा, आ जाइए कुछ मॉलिक्यूल्स बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि देखिए यहाँ पर ए एल सी एल थ्री, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल लेता है, ले लेगा, यस सर। बताइए बी एफ थ्री, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है बोरॉन के पास, होता है, ले लेगा। फिर उसके पास से आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पी सी एल थ्री, इसके पास ना देखिए पी सी एल थ्री मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यस सर लिखा है, लोन पेयर है, लेकिन बताइए फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या 3D ऑर्बिटल एम्प्टी होता है? होता है सर इसका। तो ये भी लेविस एसिड की तरह काम करेगा, लेकिन चलिए इसको नहीं रखते हैं, इसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो सकता है, AlCl3 BF3 BCl3 BF3 कर दो, चाहे BCl3 कर दो, चाहे BF3 तो हमने कर ही लिया है, Al कर दिया, ठीक है, इतने लेविस एसिड आप समझ लो। एक बात बताओ, क्या बोल दूं मैं, CH3+ बताइए इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं? यस है, मिथाइल कार्बोकैटायन, हां जी, कैसा काम करेगा, एज अ लेविस एसिड, ठीक है, तो बस इतना काफी है। लेविस एसिड आई होप क्लियर हो गया, जब मैं बोलूंगा कि लेविस एसिड तो आप समझ जाओगे कि सर मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर, यस सर। चलिए, सो लेविस एसिड आपको अगर समझ में आ गया हो तो एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, यही कॉन्सेप्ट कि देखो सर अब मैं आपसे ये कहूं कि आ जाइए सुनिएगा, मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने? यस सर ले लिया। देखो भाई ये जो कंपाउंड है कार्बोनिल पहले सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो गया, हां जी, अब हुआ क्या कि यहाँ पर क्या बोलोगे कि देखो सर ये वाला जो मेटल है और इसके एंटी बॉन्डिंग में किसमें स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या दे रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताइए। यस सर। अब बताओ ये जो है क्या लोन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है? यस सर कर रहा है। अब बताओ ये जो पूरा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे देखिएगा ये निकिल के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, आयरन के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, क्रोमियम के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देंगे, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे, बताइए कि अगर मैं इनका एक नाम अच्छे से बताऊं तो ये जितने भी लिगेंड है जैसे कार्बोनिल है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है कार्बोनिल का तो उसको आप क्या बोल सकते हो, लेविस एसिड। अब लेविस एसिड, लेकिन इनका नाम क्या बोलोगे कि सर ये पाई एसिड है, क्या है ये, पाई एसिड। पाई एसिड क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना रहा है, समझ गया ना? यस समझ गया। क्या बना रहा है ये, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि इसको हम लोग बोल देंगे कि सर ये पाई एसिड है, क्या है बताइए, पाई एसिड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये Yes. समझ में आ रहा कि लेविस एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ये पाई एसिड कंपाउंड है, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हो पाई एक्सेप्टर लिगेंड या पाई बॉन्डिंग लिगेंड, ठीक है, yes, sir. Yes, sir. पाई एसिड या फिर आप लिख लीजिए पाई बॉन्डिंग लिगेंड, पाई बॉन्डिंग लिगेंड हो गया, और क्या बोल सकते हो, या पाई एसिड लिगेंड आप लिख लीजिए, ठीक है, yes, sir. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ पाई एसिड के, अगले पेज पे यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि देखो सर मेरे पास जो है पाई 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 एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड्स की मैं बात करूं तो देखिएगा ये साइनाइड है, बताइए पाई बॉन्ड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो अब एक बात बताइए कि अगर ऐसी कहानी है तो क्या ये पाई एसिड लिगेंड की तरह काम करेगा, करेगा। चलिए पहला समझ में आ गया आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सर आर
सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये लोन पे ये देगा और इसके पास नाइट्रोजन के पास भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, बताइए ये ले लेगा मेटल से इलेक्ट्रॉन, ले लेगा तो RCN भी कैसा काम करेगा दोस्तों, लेविस एसिड, पाई एसिड। चल बढ़िया है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि सर NO प्लस, बताइए इसके पास भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, होगा सर, ये भी पाई होगा। की तरह काम करेगा, यस सर। चलिए आ जाइए, ये तो आपके कुछ कंपाउंड्स हैं, नोट पाई एसिड लिगेंड लाइक PF3 PH3 ऐसे एक्सेप्ट द बैक डोनेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एबल टू कैंडी ठीक, कोई बात नहीं आ जाइए, इसको एक और बॉन्ड बोल देते हैं, थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये, लेकिन अब पूरा नोट कर लिया आप लोगों ने? हां जी कर लिया, यस सर। इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है तो मैं चाहता नहीं कि इसे मिटाओ, लेकिन कोई नहीं हम मिटा देते हैं। अब आ जाइए नोट करते हुए चलिएगा, एक बात बताइए यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा था इस बॉन्ड को, एक बात बताओ ये कौन सा है, डी ऑर्बिटल है और ये कौन सा है, पी ऑर्बिटल है कि नहीं? यस सर। तो अब ये जो बॉन्ड बन रहा है ना पाई बॉन्ड, बताइए कि बैक बॉन्ड, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब इस देखिए एक डी और एक पी ऑर्बिटल, सबसे पहले किसको लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है। तो अब बताइए तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो आप बोलोगे कि सर डी पाई एंड दे कौन रहा है, डी तो उसे पहले लिखोगे और ले कौन रहा है, पी ऑर्बिटल, तो आप क्या बोलोगे, पी पाई बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बोलिए, चाहे इसको आप क्या बोल सकते हो, नाम दे सकते हो स्पेशियल वाला कि सर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ओके, यस सर, बैक बॉन्डिंग लिख लिया आप लोगों ने, लिख यस सर। सो आई होप आप लोगों को मेटल इन कार्बोनिल में सब कुछ डिटेल में समझा दिया है, ये सारी चीजें नोट करिए, कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप आज लोग कार्बोनिल कंपाउंड का या फिर कोऑर्डिनेशन स्लाइड करना, ठीक है दोस्त, समझ में आएंगे इस अगली जी, ये आगे इससे आगे आगे है क्या कुछ, अच्छा ये बना, हां जी बढ़िया है, कुछ स्लाइड एक दो और टॉपिक से तो एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहते हैं, सफर बहुत लंबा होने वाला है, बताइए इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एमओटी के थ्रू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो ये सब चीजें याद रखना, अब क्या करें हो गया सर, ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ, एक मिनट लंबी सांस लो, नहीं एक मिनट लंबी सांस क्या लेना, 10 सेकंड सर, 6 हो रहा है, मैं सीधा अपने मुद्दे पे आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ, ये देखिए कुछ देख रहे हो आप लोग, हां जी देख रहे हैं फैक्टर्स, यस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड, आ जाइए, अगर मैं आपसे कहूँ एक चीज कि देखो सर कहाँ गया ये व्हाइट वाला, तो दिख ही नहीं रहा मुझे, हाँ देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि देखो सर ये डी ऑर्बिटल है और कुछ में इतना ही स्प्लिट हो रहा है, कुछ में इतना ही स्प्लिट हो रहा है और कुछ में ये डी ऑर्बिटल की एनर्जी स्प्लिटिंग क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बताइए इतनी एनर्जी है और यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है दोस्त, सॉरी थोड़ा नीचे तक आ जा भाई, इतनी इसमें ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, ये जो एनर्जी गैप है किसके केस में ज्यादा होगा किसके केस में कम होगा, और ऐसे ऑप्शन में करके देके पूछ ले तो कैसे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, इसको कवर कर लेते हैं, किसमें CFSC ज्यादा होगा और किसमें CFSC कम होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, होगी सर, होगी सर,
ऑफकोर्स होगी. तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले इसके बेसिस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो इन्होंने कहा है कि एफ में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ सी एफ एस सी, उसको क्या बोलेंगे. अच्छा एक चीज बहुत याद आया, कितने लोगों ने जेरोक्स करवा लिया है एलन का मटेरियल? नो सर पीडीएफ ही नहीं मेरे पे. तो पीडीएफ सबको भेजा था यार, ग्रुप में मैंने भेजा था. और यार ऐसा मत करो यार, एक काम करो आप लोग, कल संडे है, कल आप लोग करवा लोगे? यस सर, पीडीएफ भेज दो आप. कल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो एमटीजी से भी कराऊंगा, यहाँ से अभी भेज दूंगा, दोबारा रीसेंड कर देता हूँ मैं. तो जेरॉक्स करवा लेना, तभी क्वेश्चन पढ़ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ऐसे नहीं होने वाला. चलिए आ जाइए. इन्होंने बोला हुआ है कि देखो सर, यहाँ पे एक है एफ ई एच टू ओ थ्री प्लस, यहाँ पर भी ये भी, ये कौन सी बात है, देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स. एक में एफ ई का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, थ्री, और एक में प्लस टू. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. देखो सर, इन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए ना कि सब कुछ सेम है, लिगेंड विगेंड सब सेम है, लेकिन मेटल पे चार्ज क्या है, अलग अलग है. बताइए, एक पे प्लस थ्री चार्ज है तो एक पे कौन सा चार्ज है दोस्तों? प्लस टू. तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या जिसपे चार्ज ज्यादा है उसका सी एफ एस सी क्या होगा, अल्टीमेटली ज्यादा होने वाला होगा. ठीक है, तो बस इतना समझा दूं, अब वो कितना भी एग्जांपल दे समझ में आ जाएगा ना? यस सर आ जाएगा. सो बहुत बढ़िया, अब आ जाइए. दूसरा क्या है कि देखो सर, एक कॉम्प्लेक्स आपका कोबाल्ट का दिया हुआ है और एक किसका दिया हुआ है, निकल का. अब देखो कोबाल्ट में आप देखोगे, कोबाल्ट टू प्लस करोगे तो क्या होगा कि कोबाल्ट यानी कि 3D7 4S2, और इधर निकल में क्या हो जाएगा 3D8 4S2. दो दो इलेक्ट्रॉन, टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. यस सर. दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहाँ से, 3D7, और इसमें कितना हुआ, 3D8 है कि नहीं? यस सर. जिस मेटल में अगर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोनों का, सेम. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तब तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे भाई किसका ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे हमने कहा कि जिसका सर चार्ज ज्यादा है उसका ज्यादा होगा सीएफएससी. यस सर. लेकिन अब यहाँ पे देखो ना सर, कोबाल्ट का भी 2 प्लस है, निकल का भी 2 प्लस है कि नहीं? यस सर. तो अब उस केस में क्या चेक करोगे जब टाई हो जाएंगे दोनों की, सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. अब बताओ, निकिल में डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 3D8, और इसमें क्या है 3D7. यस सर. तो कौन जीत जाएगा? निकिल. तो निकल वाला निकल लेगा, समझ गए? यस सर. अब आ जाइए आप लोग यहाँ पर देखोगे थर्ड टाइप में, कि अगर इन्होंने कहा क्वांटम नंबर की बात कर लिया, डी ऑर्बिटल का सेंट्रल मेटल. अगर आपसे एक बात ये कहूं कि देखो सर, यहाँ पर तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, तीनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप क्या कहोगे कि देखो सर यहाँ पर कोबाल्ट है इसका 27 है, रोडियम इसका शायद कितना होगा? निमोनिक्स याद करो, निमोनिक्स नहीं याद है ना? नहीं. 4D और 5D आदमी सीरीज, ये 4D सीरीज का है तो ऑब्वियसली इसका मान लीजिए कि इसमें क्या होगा 3D होगा, ये क्या होगा आपका 4D होगा दोस्तों, और ये 4D. क्या होगा 5D होगा कि नहीं होगा? होगा. अब एक बात बताओ कि यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? नंबर ऑफ n भैया एक से बढ़ रही है सर. यस सर. तो अगर इंटरवल बढ़ जाए ना कि देखो साहब ये कौन सा है, ये फोर्थ पीरियड का है, तो ये कौन सा होगा आपका? फिफ्थ पीरियड. और ये सिक्स्थ. टाइम ऑब्वियसली इनकी बड़ी होगी चाहे घटी, उससे मतलब नहीं है. अगर n की वैल्यू बढ़ गई है तो उनका सीएफएससी बढ़ जाएगा. क्लियर? यस सर. यस सर. याद रखना कंडीशन क्या है कि साहब चार्ज उसका तीनों में सेम होना चाहिए. सेम होना चाहिए. अगर किसी का, मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि देखो सर रोडियम वाले का प्लस टू कर देता हूँ तो इसका कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? हो जाएगा. सबसे पहले आप चार्ज देखोगे. अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, भूल जाए इसे, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, और इसका रिलेशन है आप लोगों को बताया भी होगा, ठीक है? यस सर, बताया। यस सर। चलिए, सो ग्रेट, आ जाइए अपने फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड क्या इंक्रीजेस सीएफएससी? चिलेटिंग लिगेंड बताया होगा आप लोगों को कि ऐसा कोई लिगेंड जो क्या कर ले, रिंग फॉर्मेशन कर ले, क्या कर ले बताइए? रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि सर ये रहा आयरन और ऑक्सलेट लिगेंड ऐसे होता है, कैसे होता है बताइए दोस्तों? ऐसे, अब बताइए ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या रिंग बन रही है क्या? ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड। अगर किसी कंपाउंड में चिलेट लिगेंड प्रेजेंट है, और याद रखिएगा कि उन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, बताइए प्लस थ्री। अगर मान लीजिए यहाँ पर आयरन था, इसका प्लस फोर होता, तब आप कहते कि सर इसी का ज्यादा है, इसी का ज्यादा है। अगर मैं क्या कर दूं कि इधर प्लस टू कर दूं और इधर प्लस थ्री है, तब किसका क्या हो जाएगा? प्लस थ्री वाले, प्लस थ्री का। लेकिन यहाँ पर दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है दोस्त, तो अब क्या चेक करोगे कि देखो सर एक चिलेटिंग लिगेंड है इसलिए उसका सीएफएससी ज्यादा होगा। आई होप डन सबको समझ में आया। यस सर। आज की क्लास बोरिंग थी? नो सर। चल सो बढ़िया है, हमने कुछ अच्छा काम किया आज। हाँ जी। क्या कर सकते हैं? कल क्लास की टाइमिंग पता है? यस सर, पता है। 2 to 6। दो से छह याद कर लो। और कोई मिस किया ना क्लास तो समझ जाओ कि उसका मार के दांत तोड़ दूंगा, फिर साफ करके दोबारा लगा दूंगा। ओके सर। सर वो बदल जाएगा। ठीक है, मेरे पास जोक अच्छे नहीं होते तब क्या करूं? नहीं सर, बड़ा मस्त था ये वाला। अरे ठीक है, हमारे प्रिय सर जी आगे होंगे।